गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप लेटर में ABCD ए से लेकर जेड तक। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं ए लिखना। तो देखिए हम लोग ए कैसे लिखते हैं। ऐसे बीच वाला लाइन में ऐसे घुमा के यहाँ लाना है, फिर नीचे उतार देना है इसको। देखा आपने क्या करना है, दोनों बीच वाला ब्लैक लाइन में क्या करना है, ऐसे घुमा के लाना है इसको, ऐसे नीचे उतार देना है। फिर से देखिए आप लोग, ऐसे करके ऐसे उतार देना है। अब देखिए बी कैसे लिखते हैं। बी देखिए सिंपल सा है, ऊपर वाला रेड लाइन से खींच के लाना है नीचे ब्लैक वाला लाइन तक, फिर यहाँ पे ऐसे राउंड शेप में इसको कर देना है। समझ में आ गया। फिर ऐसे करना है, दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे राउंड शेप करना है, दोनों ब्लैक वाला लाइन के बीच से राउंड शेप कर देना है। समझ में आ गया। अब देखिए सी कैसे लिखते हैं। सी को क्या करना है, दोनों ब्लैक लाइन के बीच में इसे हाफ राउंड ऐसे करना है। समझ में आ गया। अब देखिए डी कैसे लिखें। डी को बी का जस्ट अपोजिट लिखना है, जस्ट इसका उल्टा लिखना है। तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे ऊपर से ऊपर वाला रेड लाइन से लेकर फिर इसको ऐसे करके यहाँ पर इसको राउंड कर देना है। समझ में आ गया। और ऊपर देखिए हो गया। अब देखिए ई, अब देखिए ई को कैसे लिखते हैं। सिंपल सा है, दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ही लिखना है इसको भी, ऐसे दोनों ब्लैक वाला लाइन के बीच ही लिखना है। हो गया। अब देखते हैं हम लोग एफ कैसे लिखेंगे। हम लोग एफ, तो देखिए एफ को क्या करना है, एफ यहाँ पे एफ एफ। अब देखिए जी कैसे लिखते हैं। जी को भी बीच वाले लाइन में ऐसे राउंड करना, फिर इसको बस यहीं तक लाना है। क्या करना है, यहाँ से नीचे उतारना है, फिर इसको यहीं तक लाना है। दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे राउंड शेप करना है, फिर रेड वाला लाइन को टच करते हुए बस ऐसे घुमा देना है। समझ में आ गया। और देखिए एच, एच कैसे लिखेंगे, ऐसे ऊपर वाला रेड लाइन से नीचे वाला ब्लैक लाइन तक लाएंगे, फिर ऐसे ऐसे। समझ में आ गया। अब देखिए आई कैसे लिखते हैं। आई को सिंपल दोनों ब्लैक लाइन के बीच में लिखना है और ऊपर में ऐसे बिंदु जैसा लगा देना है। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग जे कैसे लिखते हैं। जे के लिए क्या करना है, ऊपर वाला ब्लैक लाइन से स्टार्ट करना है और नीचे वाला रेड लाइन तक ले जाना है, फिर ऐसे करके ऐसे मोड़ देना है। ऐसे समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे के कैसे लिखते हैं ना। तो देखिए के कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला रेड लाइन से खींच के उतारेंगे नीचे वाला ब्लैक लाइन तक, फिर दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे के इस टाइप से। फिर से देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे। समझ में आ गया। अब देखिए एल, एल को क्या करना है, सिंपल ऐसे कर देना है, ऊपर वाला ब्लैक लाइन से थोड़ा सा ऊपर और ऐसे कर देना है, बस बस ऐसे कर देना है। समझ में आ गया। अब एम, एम को सिंपल दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग एन को कैसे लिखते हैं। एन को भी सिंपल सा है, दोनों ब्लैक लाइन में ही लिखना है, दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ही लिखना है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे लिखते हैं ओ, क्या लिखेंगे ओ। देखिए ओ कैसे लिखते हैं, ओ को भी दोनों ब्लैक लाइन के बीच में लिखना है, दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे राउंड शेप, ओ क्या हो गया, ओ ये क्या हो गया, ओ। समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग लिखेंगे पी, पी को क्या करना है, पी को भी दोनों ब्लैक लाइन से स्टार्ट करना है, ऊपर वाला ब्लैक लाइन से नीचे एक लाइन खींच के उतारेंगे नीचे वाला रेड लाइन तक, फिर दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे राउंड शेप लगा देना है। कैसे करना है फिर से देखिए, ऐसे कैसे करना है फिर से देखिए,
से। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए क्यू कैसे लिखते हैं। क्यू के लिए क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला ब्लैक लाइन से नीचे वाला रेड लाइन तक खींच कर उतारना है, फिर यहाँ पे इसे राउंड शेप लगा देना है पी का जस्ट ऑपोजिट। पी का क्या करना है, जस्ट इसका ऑपोजिट लिख देना है। समझ में आ गया? अब देखिए आर को कैसे लिखना है। आर के लिए दोनों ब्लैक लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन छोटू सा खींचना है, फिर उसमें ऐसे कर देना है। फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, ऐसे। फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, ऐसे। समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग आगे लिखते हैं एस। आगे क्या लिखेंगे, एस। तो देखिए एस को कैसे लिखते हैं, दोनों ब्लैक लाइन के बीच में इसे घुमा देना है सांप जैसा। फिर से देखिए रिपीट करते हैं, ऐसे। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए टी को कैसे लिखना है। टी को सिंपल ऊपर वाला रेड लाइन से नीचे वाला ब्लैक लाइन तक ऐसे करके उतारना है, और बस ऐसे ऐसे करना है, बस नीचे थोड़ा सा फोल्ड करना है यहाँ पर, ऐसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है। अब हम लिखेंगे यू। यू को क्या करना, सिंपल सा दोनों ब्लैक लाइन के बीच में लिखना है, ऐसे दोनों ब्लैक लाइन के बीच में लिखना है। इसको भी क्या करना है, बस ऐसे करना है, ऐसे करना है दोनों को, बस इस टाइप से लिख देना है ना। अब आगे देखिए वी। वी को नीचे, वी को दोनों ब्लैक लाइन के बीच में लिखना है। वी को भी ऐसे ही जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे लिखते हैं डब्ल्यू। तो देखिए डब्ल्यू भी सिंपल है, डब्ल्यू भी देखिए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं डब्ल्यू को कैसे लिखेंगे ना। तो देखिए क्या करेंगे, डब्ल्यू को लिखने के लिए सिंपल सा डब्ल्यू को भी दोनों ब्लैक लाइन के बीच में लिखना है, तो ब्लैक लाइन में दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन खींचना है, फिर ऐसे कर देना है, फिर इसको मिला देना है। फिर से देखिए रिपीट करते हैं बच्चों, ब्लैक लाइन के बीच में, दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे करना है। समझ में आ गई? अब देखिए एक्स, एक्स को क्या करेंगे, ऐसे। फिर से देखिए ऐसे बस क्रॉस कर देना है, क्या करना है, ऐसे बस क्रॉस कर देना है। समझ में आ गया? अब देखिए वाई, वाई को क्या करेंगे, देखिए दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ऐसे करना है, फिर नीचे वाला रेड लाइन को टच करते हुए ऐसे करना है, ऐसे। फिर देखिए ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे कर देना है। समझ में आ गया? अब देखिए जेड, जेड को इस टाइप से दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ही लिखना है, इस प्रकार दोनों ब्लैक लाइन के बीच में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको ऊपर रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ए है, तो हम लोग ए को कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे करेंगे। बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। सी को कैसे लिखेंगे, ऐसे। डी को कैसे लिखेंगे, ऐसे। ई को कैसे लिखेंगे, ऐसे। एफ को कैसे लिखेंगे, ऐसे। जी को कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे। आई को कैसे लिखेंगे, ऐसे। जे को कैसे लिखेंगे, ऐसे। और के को कैसे लिखेंगे, ऐसे। एल को कैसे लिखेंगे, ऐसे। एम को कैसे लिखेंगे, ऐसे। एन को कैसे लिखेंगे, ऐसे। ओ को कैसे लिखेंगे, ऐसे। पी को कैसे लिखेंगे, ऐसे। क्यू को कैसे लिखेंगे, ऐसे राउंड शेप कर दें, ऐसे बस। फिर से देखिए ऐसे कर देंगे क्यू को इस टाइप से। समझ आ गया? आर को देखिए, आर को कैसे लिखेंगे, ऐसे। फिर से देखिए ऐसे। एस को कैसे लिखना है, सिंपल सा ऐसे कर्व लाइन लिखना है इसमें। टी को ऊपर वाला रेड लाइन से नीचे वाला ब्लैक लाइन में ऐसे। यू को ऐसे। वी को ऐसे। डब्ल्यू को क्या करेंगे, देखिए ऐसे। एक्स को क्रॉस कर देना है। Y को ऐसे। Z को ऐसे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।